हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जिलानी अंसारी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एशियन पेंट ग्रुप केयर के पेंट स्प्रे मशीन के बारे में। तो फुल जानकारी मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं स्प्रे जैसा मैंने अमेजोन से बाई किया है, आ चुका है हमारे पास पार्सल। आइए इसको ओपन करते हैं। तो इसको मैंने पहले से कर रखा है। तो देखिए, इसके अंदर भी एक कार्टून है, इसको निकालते हैं। तो फाइनली इसके अंदर से निकला है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो देखिए, ओवर सेफ्टी के लिए दिया गया था। आइए इसको, आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये एयर का जो पाइप है, और ये रहा नोजल, इसे स्प्रे किया जाएगा। और एक पाइप दिया है नोजल के लिए अलग से। और ये रहा बेल, जिसे मशीन में लगाकर कंधे में लगा सकते हैं। और ये रहा कवर, इसे आप कलर को छाप सकते हैं। और ये है कंटेनर डब्बा, जो कि आज तो है मेरे कहने। अब आइए देखते हैं क्या है इसमें। है मशीन कुछ इस तरीके से। तो देखिए, इसमें डेढ़ मीटर का जो है आपको टेबल मिल जाता है। और इसके साथ ये बूट है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सारी जानकारी इसमें। ये कुछ है शायद मेरी मालूम नहीं। और लास्ट में दो तीन में देख सकते हैं, ये नोजल को साफ करने के लिए आता है, अगर जाम हो जाता है तो इससे साफ कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारा चीज़ था। अब आइए आपको दिखाते हैं इसे फिटिंग कैसे किया जा सकता है बढ़िया सारी से। तो पहले ये मशीन लेंगे, और उसके बाद ये एयर पाइप लेंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा इस नोजल, इस पाइप को जो है फिटिंग करना है यहाँ पे। देखिए, यहाँ लॉक भी है, लॉक हो जाता है। तो इस तरफ मशीन फिटिंग हो चुका है। अब इसको जो है नोजल में लगाना है। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको लगाने का सिस्टम, बैक साइड से इस तरीके से आप बढ़िया से फिटिंग कर लेंगे। और इस कंटेनर को जो है इसमें इस तरीके से सेट कर देना है। और इस बेल्ट को इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और इसे आप इस तरह कंधे में लटका लीजिए और बढ़िया सारी से स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों, मैंने सारा फिटिंग यहाँ पे आपको दिखाया। अब चलते हैं अपने साइड पे, वहाँ पे किस तरह स्प्रे करेंगे इस मशीन से, उसको आप दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अब तक नहीं किया होगा जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं इससे किस तरह स्प्रे होता है। आज फाइनली हम आ चुके हैं अपने साइड पर। सो आइए किस तरह से स्प्रे करना होता है। पेंट करने वाले ये बेड देख सकते हैं, पीछे हमारे बेड लगा हुआ है, बेड में पेंट करना है। तो आइए पहले कलर मिक्स करते हैं, इसके बाद आपको दिखा रहे हैं। ये वाला बेड है देख सकते हैं, और कलर है वाइट एशियन पेंट का। इसको ये मिक्स करने वाले हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखा रहे हैं। सो गाइस, फाइनली कलर बन चुका है, और डब्बा कंटेनर में डाला जा रहा है। देखिए इस तरीके से, इस कंटेनर में जो है 800 ml कलर आपके पानी डाला जाएगा। और ये मशीन का जो है 800 वाट का मशीन है, 3200 rpm है इसका, 2.5 mm का जो है नोजल है इसका। और इससे जो है आप कलर का जो है स्पीड कम बेसी कर सकते हैं। इस तरीके से रंग डाल कर इसको फिटिंग कर लेना है। अब ये जो है तैयार हो चुका है कलर के लिए। अब मशीन को जो है
दर्द हो रहा है, कहाँ से मार रहे हैं? कहाँ से मार रहे हैं? से मशीन को जो है हाथ में ले लेना है। नहीं नहीं टिको सर जी, बटन टिको वहाँ ऑन करना। तो देखिए मशीन चालू हो गया, स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से पंपिंग हो रहा है, देख सकते हैं। और देखिए साइज स्पीड कम बेसी कर सकते हैं, इस तरीके से जो पेंटिंग होता है। तो फाइनल पेंटिंग आपको लास्ट में दिखाएंगे क्या फिनिशिंग आ रहा है, इससे कहीं पे छोड़ सकते हैं। इस तरीके से देखिए हो गया, कुछ इस तरह का फिनिशिंग देख सकते हैं कलर होने के बाद। तो मैंने फिनिशिंग आ रहा है गजब का।